मैंने अपनी कॉफी खत्म कर ली थी और मैं जैसी जा रही थी ना तो मुझे ये मिला है। और जो इसकी ओनर है, मम्मी है, वो अंदर कॉफी लेने के लिए गई है तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज, आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 मिनट मेरे बच्चे का ख्याल रख लोगे। तो मैंने कहा इस बच्चे का ख्याल मैं कैसे नहीं रखूंगी। गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज है मेरा एक शूट जो कि ऐसा लग रहा है छोटा है लेकिन उसमें वक्त ज्यादा लग जाएगा। मेरे को आते आते तो रात हो जाएगी या फिर बीच में शायद मैं 2 घंटे के लिए आऊँ, फिर मेरे को वापस जाना पड़े शाम को। और मेरी बेबी यहाँ पे उठ के कर रही है नाश्ता। नाश्ता खत्म हो चुका है, आप लोग को मिलवा देता हूँ। मैं जा रहा हूँ बेबी, तुम्हारा क्या प्लान है आज का? मौन व्रत है क्या आज? चलो बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरे बेबी का शूट है जी, मैं बोल चुका हूँ। नया क्या है? मैं तो अभी हूँ यहाँ पे जी, मैं बोल चुका हूँ। नया क्या है? अभी मैं जाऊंगी कहाँ? वॉक के लिए। मैं जा रहा हूँ बाय जी। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वो वाली गुड मॉर्निंग नहीं थी, अब की गुड मॉर्निंग है। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं अभी वॉक के लिए जाऊंगी। हाँ आ रही हूँ, वो देखो अंदर से कैंडी मेरे को बुला रही है। यहाँ पे मेरी बब्बू की कंगी हो रही है, ये मेरा छुट्टा बब्बू। हाँ हाँ, क्या हुआ है भाई? आ गई, लड़ना नहीं है माँ से। रुका करना कैंडी, क्या हो गया ऐसा? घर की कॉफी खत्म हो गई है, घर की कॉफी अभी ऑर्डर करती हूँ। और आज सुबह सुबह अविनाश को मैं बता देती हूँ अविनाश ने क्या किया है। आज अविनाश ने ये गिरा दिया, ये और इसका साइड का ये टूट गया, ये देखोगे ना आप कहाँ से है। गिरा, ये देखो साइड से ही तोड़ दिया। तो ये तो है इस आदमी के काम, मैं क्या करूं। मैं डांटना भी नहीं जाती थी, उसका शूट था, मूड खराब हो जाता तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तुम्हें ही काम करना है, तुम्हें ही करनी है चीजें। देखो अगर हैंडल नहीं करोगे सही तरह से तो हमारा ही नुकसान है। गुस्सा तो अंदर इतना आ रहा था ना मुझे उस समय कि मतलब मैं ना इसकी दाढ़ी खींच दूं पकड़ के। लेकिन फिर मैंने कहा जाने दो यार, जाने दो, इंसान तो सीधा ही है, क्या फर्क पड़ता है, इंसान बुरा नहीं है ना। तो मैं अभी आपको मिलती जरा कॉफी ऑर्डर कर दूं क्योंकि कॉफी खत्म हो गई है घर में। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं निकल गई हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मिलना था मुझे। और ना मैंने मुझे कर्टन का फैब्रिक वगैरह सिलेक्ट करा था, वो देखना है कि आ गया नहीं आ गया, उनको पेमेंट करनी है। ये सारे काम करती हूँ मैं, जो जो चीजें होती जाएंगी आपको दिखाती जाऊंगी। अगर मुझे पता नहीं कि क्या क्या होने वाला है। अमिता ध्यान रखना और रूम बंद ही कर दे, इनके लिए पंखा चला दे, मैं मिलती हूँ आपको। तो मैंने अपनी कॉफी खत्म कर ली थी और मैं जैसी जा रही थी ना तो मुझे ये मिला है। और जो इसकी ओनर है, मम्मी है, वो अंदर कॉफी लेने के लिए गई है तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज, आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 मिनट मेरे बच्चे का ख्याल रख लोगे। तो मैंने कहा इस बच्चे का ख्याल मैं कैसे नहीं रखूंगी, तो मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ 2 मिनट के लिए, for 2 minutes। बहुत डरा हुआ है मेरा बच्चा, बहुत डरा हुआ है। बैठो आप आराम से, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा मेरा बच्चा। आंटी आंटी आपकी देखभाल कर रही है, आंटी आपको टच भी नहीं करेगी। एक्चुअली ये डर रहा है ना तो मैं इसको बिल्कुल वो नहीं करना चाहती। मम्मा आ रही है, आपकी मम्मा आ रही है, आ जाओ। मैं इधर बैठ जाती हूँ, मैं इधर आपके साथ बैठूंगी, आंटी आपके पास है जी, बिल्कुल डरना नहीं है। टच कर रहा है, टच करने दे रहा है। बच्चे होते हैं ना, माँ बाप चाहिए होते हैं। माँ अंदर कॉफी लेने के लिए गई है ना, मम्मी अंदर गई है कॉफी ले रही, तो मैं बेबी सिटिंग कर रही हूँ। आ जा बेबी सिटिंग, कब कब बाबा? मैंने बोला थोड़ा गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कैसे कर रही है। तो जी 2-3 मिनट हो गए हैं और इसने मुझे अपने पास आने दिया। उससे पहले बहुत गुर्रा रहा था ये। तू लड़का है कि लड़की है? आर यू अ बॉय और अ गर्ल? डर लग रहा है मेरे को, ऐसा नहीं है, डर लग रहा है इसे क्योंकि ये बहुत स्नैपी होते हैं। वाह वाह नॉटी, इसका ना, जिसका नाम ही नॉटी है वो कितना नॉटी होएगा। वाह वाह, ये मम्मा आ रही है। मैंने स्टारबक्स के स्टाफ को रिक्वेस्ट किया है कि मैं गाड़ी लेके आगे की तरफ आ रही हूँ तो मुझे 2 कॉफ़ी दे दे,
टेक अवे के लिए, क्योंकि अविनाश का फोन आया था वो शूट पे है, तो मैं उसके लिए कॉफी लेके जाऊंगी और एक और कॉफी ले जाऊंगी इफ समबडी एल्स आल्सो वांट्स। तो दो तो मैं ले ही सकती हूँ, क्योंकि किसी और को भी चाहिए होगी तो दोनों पी सकते हैं। बाकी भाई इतने सारे लोग हैं, कितनों के लिए लेके जाऊंगी मुझे पता भी नहीं कि कितने लोग हैं, बट आई एम गोइंग टू मीट अविनाश 2 मिनट के लिए। तो कॉफी पे जब मिलूंगी, कॉफी देने जाऊंगी, तो जरा मैं मिल ही लेती हूँ और देख भी लेती हूँ अविनाश कर क्या रहा है। कोई देख ही नहीं रहा कितना हॉर्न बजा रही हूँ, 3-4 हॉर्न बजा दिए, अब कितने हॉर्न बजाए इंसान ना, देख लेना चाहिए, बोल के ही आई थी मैं, बट वो बिजी होंगे शायद देख ही लिया उन्होंने। मैं कल कर दूंगी, मेरी कॉफी का है दो बस भेज लियो। हाँ मैं आ गई हूँ अविनाश की शूट पे, उसकी कॉफी वगैरह लेके देखती हूँ जरा क्या हो रहा है। अरे और उतरना पड़ेगा, लंच के टाइम पे कॉफी, तुमने कहा था कॉफी चाहिए, इतना लेट। अब जब मैं ला सकी मैं तभी लाई हूँ, एक तो लाई ऊपर से मतलब नो थैंक्स नो थैंक्स। तो जी मैं घर पहुंच गई हूँ और कुछ फीडर लोग डॉग्स के हैं वो नीचे वेट कर रहे हैं खाने के लिए, तो मैंने अभी हमारे भैया को बोला है कि खाना नीचे लेके जाएं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब भी आप किसी को खाना देते हो प्रोवाइड करते हो तो नेवर गिव पैक्ड फूड। मतलब कभी क्या होता है, कभी कोई पता चला खाना नहीं दे रहा और वो ऐसे ही उसका मिसयूज करके बेच दे, मतलब आई एम नॉट थिंकिंग कि सब ये करते ही होंगे, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप बेटा एक कैंची लेके आना, मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या करना चाहिए और कैसे खाना देना चाहिए जब भी आप किसी को देते हो, सो दैट वो खाना यूज हो। अब मेरे पास ये, मैंने मेरे को खाना देना है, बेटा रुक जाओ भैया एक सेकंड, रुको एक सेकंड भैया रुको, क्या हाँ इधर से साइड से कैंची मार, तो इसको ना आप साइड से काट दो, अब ये दोबारा कहीं और यूज देगा, बस 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 अब ये कोई और यूज नहीं कर पाएगा। इसको भी खोल, इसको भी कैंची मार दे थोड़ा सा, ये लो भैया ये दे दो। तो क्या होता है भैया, थैंक यू। तो इससे क्या होता है ना कि वो आपको पता है कि अब ये खाना कहीं और, मतलब कोई और यूज नहीं करेगा, वो डॉग्स के और कैट्स के काम आएगा। सो मैं एक जस्ट जनरली आपको अवेयर कर रही हूँ कि जब भी आप, और ये मुझे एक फीडर ने बताया था कि मैम जब भी आप देते हो ना पैक फूड तो ऐसे ही मत दे दिया करो, आप मतलब प्रॉपर उसको काट के दिया करो, सो दैट नोबडी एल्स कैन यूज इट, तो उसका मिस यूज ना हो। मतलब क्या होता है कई बार इंसान कहता है ये लो भाई बेच दो वापस, और उसके और आधे दाम में पैसे वापस ले ले, तो ऐसा करते होंगे लोग, आई डोंट नो, बट टू बी ऑन सेफर साइड जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो नो कि वो सही जगह यूज हो रहा है, काट दो उसको। टेक्निक है ये और ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, सही बात है। ये शाम का टाइम हो गया है, घर में काम तो चल ही रहा है और मेरी कॉफी खत्म हो गई थी, मैंने अभी मंगवाई है और अब मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। आए खोल मी, तो जी यहाँ बन गई है मेरी कॉफी और बाहर ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया हल्का हल्का, कुत्ता पूंछ हिला रहा है, माँ भटक रही है, बाप बाहर का बाहर ही है। कॉफी वॉफी पी लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। घर में इतना मिट्टी धूल मिट्टी हो रहा है ना काम कर करके, ये इरिटेट हो गया, दिमाग ही खराब हो गया जी। इन लोगों को बच्चों को तो मैं खिला के ले आई हूँ, और अविनाश का फोन आया था कि अविनाश और राधा 3 घंटे अभी तक फ्री नहीं होने वाला, 3 घंटे तक उसका और शूट चलेगा, तो मैं तो खाना खा रही हूँ, वो भी खा ही चुका हूँ। अच्छा जी मैं वेट करते करते 10 बज गए हैं, अविनाश के आने के अभी भी कोई चांसेस नहीं है, फोन तो मिल नहीं रहा है। मैंने खाना खा लिया, मैं चली सोने के लिए, हो सकता है वो वापस आए तो थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करे तो करे, मुझे बाकी पता नहीं है। आपको मिलूंगी मैं कल मॉर्निंग में, घर में बहुत काम चल रहे हैं क्या ही दिखाऊं, गंदी गंद है, सब जगह गंद पड़ा हुआ है। आपको मिलूंगी सफाई करते हुए कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। चल बेटो चलो 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 बच्चा चारा चल मेरा बट्टा आ जा। ये कौन आया है? तो मुझे लगा था कि अविनाश ही आ गया, लेकिन वो उसका दोस्त था, चला गया कुछ देके, तो मैं भी चली और आपको मिलूंगी मैं कल। तो जी दोस्तों भी बज रहे हैं रात की 1 और मैं अभी घर आया हूँ, मेरा शूट अभी खत्म हुआ है और ऐसा लग रहा है मेरी टांगे कट चुकी हैं, क्योंकि पूरा दिन जो मेरा शूट था वो सिर्फ एक्शन एक्शन फाइट सीक्वेंस फाइट सीक्वेंस फाइट सीक्वेंस था,
मतलब एकदम लड़खड़ा रहा हूँ मैं चक्कर के मारे, एकदम पैरों पे खड़ा नहीं रहा जा रहा। संभावना तो सो चुकी है, और जहाँ मैं शूट कर रहा था वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो उसने मेरे को वॉइस नोट भेजा था कि आके मुझे तंग मत करना, चुपचाप सो जाना। इसलिए मैं बाहर ही ब्लॉग खत्म करके सोने जा रहा हूँ। आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। ओई मां, आई हे, कोई मसाज कर देता ना अभी।